को पत्र लिखा है। राज्यपाल ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। अखिलेश यादव के आवास में तोड़फोड़ पर एक चिट्ठी लिखी गई है। रामनाइक ने लिखा है कि राज्य संपत्ति विभाग की क्षति पर कार्रवाई। 4VD आवास को लेकर राज्यपाल ने यह पत्र लिखा। राज्य सरकार विधि अनुसार समुचित कार्रवाई की जाए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि स्वतः संज्ञान लेते हुए यह पत्र लिखा गया है या किसी की शिकायत के आधार पर राज्यपाल ने यह पत्र मुख्यमंत्री को लिखा? देखिए राज्यपाल, क्या है कि मीडिया में लगातार विक्रमादित्य मार्ग में तोड़फोड़ की, सरकारी संपत्ति के नुकसान पहुंचाए जाने की, और इसी बात का हवाला देते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री को कहा कि तथ्यों को सामने लाना चाहिए। अगर ऐसी हुई है, तोड़फोड़ हुई है सरकारी संपत्ति, तो उसमें विधिक कार्यवाही होनी चाहिए। माना जा रहा है कि राज्यपाल ने हाल के दिनों में जो मीडिया ने जो दिखाई है, विक्रमादित्य मार्ग में अखिलेश यादव के आने के बाद की जो तस्वीर सामने आई है, उसको गंभीरता से और इसीलिए सरकार को निर्देश दिया है कि इस मामले में विधिक कार्यवाही कराई जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए अभिषेक पांडे। तो 4VD आवास को लेकर राज्यपाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और विधि संबद्ध जांच और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। तो विधि अनुसार समुचित कार्रवाई की जाए, यह राज्य सरकार से पत्र लिखकर कहा है राज्यपाल राम नाईक। तो राज्यपाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा। दरअसल लगातार ये खबरें निकलकर सामने आई कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर जिस आवास में रह रहे थे अखिलेश यादव, सरकारी बंगले में, जब सरकारी बंगले को छोड़ के गए, तो तमाम तरह की चर्चाएं एक साथ जोर पकड़ने लगी कि काफी तोड़फोड़ हुई है। लेकिन अब तमाम मीडिया ग्रुप्स की तरफ से या काजा अखबार और न्यूज चैनल्स का संज्ञान लेते हुए राम नाईक ने यह पत्र लिखा है योगी आदित्यनाथ को और कहा है कि विधि अनुसार कार्रवाई की जाए, जो कार्रवाई हो वो